हरे कृष्ण। तो कोई मरीज अगर अपने रोग का निवारण करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से दवाई प्राप्त करता है, दवाई खाता है और दवाई खाकर सो जाता है, तो वो ये नहीं देखते बैठता कि दवाई का कितना हिस्सा असर किया है या कितना रोग के ऊपर असर हो रहा है। वो दवाई खाता है, सो जाता है, और सोने से ये दवाई खाकर सोने से उठने के पश्चात उसे थोड़ा फर्क अनुभव होता है अपनी बीमार अवस्था में, और दवाई भी ये अपेक्षा नहीं करती है कि बीमार व्यक्ति जो है ये अनुसंधान करे कि दवाई क्या है, कैसे काम कर रहा है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। वो बस डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा रखता है, दवाई खाता है, सो जाता है और उसे फर्क महसूस होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे जो फैमिली डॉक्टर होते हैं उनके पास जाने से ही हमारी बीमारी जो है ये ठीक हो जाती है और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती। बस उनके पास जाओ, वो कुछ भी दे, एक आध दवाई दे तो वो ले ले, तो हम थोड़ा बेटर फील करने लगते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति जो है आध्यात्मिक गुरु के वाणी पर विश्वास रखकर अगर ये हरिनाम रूपी दवाई को ग्रहण करता है तो उसे यह समझने और अनुसंधान करने की वास्तविक आवश्यकता नहीं है कि हरिनाम में कितनी शक्ति है, वो कैसे काम करता है, वो बीमारी ठीक करता है कि नहीं करता है। श्रद्धा जो होती है गुरु के ऊपर, वो श्रद्धा ही वास्तव में काम करती है। गुरु के मुख से आया हुआ हर एक शब्द इसमें शक्ति होती है। जिस प्रकार आप खुद दवाई लोगे तो शायद इतना असर नहीं होगा या फिर उल्टा असर होगा, लेकिन डॉक्टर ने बताया हुआ दवाई लोगे तो उसका असर अच्छा रहेगा। उसी प्रकार भगवान के नाम में बहुत ज्यादा शक्ति है, परंतु जब वो गुरु के मुख से हम ग्रहण करते हैं और गुरु से हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करते हैं कि आप इसको जप कीजिए, और फिर हम जप करते हैं तो उसमें एक अलग शक्ति होती है। अब उसमें गुरु की कृपा निवेशित है। अब वो नाम लेने से गुरु की कृपा पहले मिलती है, हरिनाम का शुद्धिकरण तो होते ही रहता है क्योंकि वस्तु शक्ति है। जिस प्रकार दवाई बैकग्राउंड में काम करती है वैसे हरिनाम भी काम करता ही रहता है, परंतु साथ ही साथ वो कृपा जो निवेशित है उसमें, वो कृपा प्राप्त होती है और कृपा प्राप्त होने से और अधिक शुद्धिकरण होता है। तो जब भी हम श्रद्धा के साथ नाम जप करते हैं या श्रद्धा के साथ साधन करते हैं तो उसका एक अलग और अभूतपूर्व परिणाम हम प्राप्त करते हैं। अगर डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा ना हो तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि दवाई भी ठीक से काम नहीं करती है, फिर हम डॉक्टर चेंज करते रहते हैं। उसी प्रकार गुरु के ऊपर अगर हम श्रद्धा नहीं रखते हैं तो वो गुरु का इंस्ट्रक्शन काम नहीं करेगा। नाम अपनी शक्ति है, दवाई में अपनी शक्ति है, लेकिन श्रद्धा का अभाव होने से वो शक्ति इतना असर नहीं दिखाती है। इसलिए कहा गया है आदव श्रद्धा, पहले श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा के साथ साधु संग होना चाहिए। श्रद्धा के साथ गुरुदेव से अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए और श्रद्धा के साथ साधु संग करने के पश्चात श्रद्धा के साथ ही भजन होना चाहिए। भजन में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैला सर्वकर्म कृत है। ये नहीं समझना चाहिए कि केवल ही हरिनाम लेकर क्या असर होने वाला है, हमें और भी कुछ करना चाहिए, थोड़ा व्रत वैकल्य उपास, थोड़ा निर्जल सोमवार मंगलवार बुधवार हर एक बार का एक एक उपवास करना चाहिए। ऐसे ये जो सोच है ये वास्तविक हमारे भक्ति के प्रति प्रतिकूल सोच है। ऐसी सोच को लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे आपके गुरु महाराज आपको जो भी आदेश दे
आप उसका अगर ठीक ठीक पालन करते हैं तो उसी में आपका प्रगति है। एक भक्त थे प्रभुपाद जी के शिष्य, जुहू मंदिर में प्रभुपाद जी के पास आए और कहे कि उनके ऊपर जुहू मंदिर कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की सुपरविजन की जिम्मेदारी थी। तो प्रभुपाद जी के पास आकर कहे कि प्रभुपाद जी इतनी सेवा है कि मैं ठीक से जप नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी कहे कि आप ये जो सेवा कर रहे हैं जप से भी बड़ी है, आप ये सेवा करो, जप करने को अगर समय नहीं मिलता है। तो प्रभुपाद ने एकाध भक्त को ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए और उन्होंने केवल वो सेवा की तो भी उनका उद्धार हुआ, क्योंकि वो गुरु के मुख से आया है। हमें गुरु के मुख से आदेश प्राप्त तो हुआ है कि 16 माला का अच्छी तरह से जप करना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए, रेगुलरली मंदिर आना चाहिए, सेवा में जुड़ना चाहिए। अगर इन इंस्ट्रक्शंस का ठीक ठीक पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा और वो होगा, होते ही रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं देखना चाहिए कितना शुद्धिकरण हुआ है कितना नहीं हुआ है, बस जो गुरु ने कहा है उसको पालन करना चाहिए। रिजल्ट का या परिणाम का चिंता नहीं करना चाहिए, परिणाम तो अपने आप आएगा, क्योंकि गुरु के वाणी की शक्ति है वो हमें, जैसे हवाई जहाज में आप जब प्रवास करते हो तो कभी कभी हवाई जहाज जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में हवाएं होती है, उसे टेल विंड्स कहते हैं। तो वो टेल विंड्स जो है वो हवाई जहाज का स्पीड बढ़ाते हैं तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, और कभी कभी सामने से हवाई आता हवा आता है उसे हेडविंड कहते हैं, तो वो स्पीड को स्लो करता है। तो जिस प्रकार टेलविंड स्पीड को बढ़ाता है उसी प्रकार गुरु के आदेश हमारे शुद्धिकरण की प्रोसेस को बढ़ाते हैं। और अगर अपराध किसी वैष्णव के प्रति हो जाए तो वो हमारे शुद्धिकरण के प्रोसेस को घटाता है। तो ये हेडविंड से बचना चाहिए, टेलविंड के साथ जप करना चाहिए, और यही हमें अभीष्ट सिद्धि कृष्ण प्रेम प्राप्त कराने के और अग्रसर करेगा। हरे कृष्ण।